नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। देश में महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। वही अब राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पायलट कहते हैं कि सरकार जनता पर महंगाई का बोझ डालकर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और टोंक विधायक सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा कि लघु मध्यम व्यापारियों पर GST में जनता पर महंगाई का बोझ डालकर केंद्र सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। रोटी कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरत एवं अधिकार है, परंतु जिस प्रकार रामजन की जेब पर डाका डालकर इस बुनियाद को कमजोर किया जा रहा है, उसके लिए देश BJP को कभी माफ नहीं करेगा। वही आज देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इसके बाद 14.2 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर 1056.50 रुपए का हो चुका है। और दरअसल राजस्थान में LPG सिलेंडर के 1,66,00,000 से ज्यादा कंज्यूमर है। वही अब इन करोड़ों उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। पिछले 6 महीने से ये तीसरा मौका है जब रसोई गैस की कीमत में इजाफा हुआ। इन बढ़ी हुई कीमतों के बाद LPG सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये के पार हो चुकी है। सभी लोग वाकिफ है कि राजस्थान की जो हालत है वो भी किस तरीके से हो रखी है। राजस्थान की हालत कोई महाराष्ट्र से ज़्यादा अच्छी नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में दिखाई दिया उसके बाद फैसले ले लिए गए, लेकिन राजस्थान में अभी फैसले नहीं लिए जा रहे। यहाँ सचिन पायलट अपनी पार्टी से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। लगातार अशोक गहलोत से यहाँ पर नाराज नज़र आ रहे, क्योंकि अशोक गहलोत काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं सचिन पायलट को लेकर, यहाँ तक कि वो निकम्मा भी कह चुके थे। तो भाई अब सचिन पायलट अपनी पार्टी के मामलों को सुलझाने में लगे रहे या फिर केंद्र सरकार पर जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं, उसके बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी उस पर ध्यान देंगे। बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है सचिन पायलट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव।